हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चुकंदर का पाउडर, जिसे बीट रूट भी कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो चुकंदर रखी हुई थी, तो मैं इनसे ही आपको पाउडर बनाकर दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चुकंदर का पाउडर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इन दो चुकंदर को छील लिया है, धुलकर छिला है मैंने इनको, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आराम से आप छोटे छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं जैसा मैंने काटे हुए हैं। अब हम इनको धूप दिखाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनको 2 दिन की धूप दिखाई है, और 2 दिन की धूप में ये अब पाउडर बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अब ये देखिए, मैं इनको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, और इसके अब मैं पाउडर बनाऊँगी। ये एकदम सूख कर थोड़े ही हो गए हैं, थोड़े से हैं क्योंकि मेरे पास 2 ही चुकंदर थी। आप जब बनाएंगे तो ज़्यादा चुकंदर का बनाइए, क्योंकि ये साल भर तक ख़राब नहीं होता। आप इसको अलग अलग काम में यूज ले सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर छलनी में छान कर इसका पाउडर अलग कर रही हूँ। आप छलनी में छानिए, ऐसे ही छानिए, आप चम्मच की हेल्प ले सकते हैं, या फिर इसे भी बारीक करना है, इसे बारीक छलनी, या फिर किसी पतले बारीक कपड़े में छान सकते हैं और बारीक पाउडर बनाने के लिए। ये देखिए, जो पाउडर है नीचे निकल रहा है। आप इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में 1 साल के लिए भरकर रख सकते हैं। आप इसे मेहंदी में डालकर बालों पर लगाएंगे तो आपके बालों का कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा। आप एक दफ़े ज़रूर देखिए, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। और अब ये जो जितना छलनी में बच गया था, इसको हम दोबारा से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसको दोबारा छानेंगे। ऐसे ही करके हम बार बार इस पाउडर को बना लेंगे। इस पाउडर को आप हर रोज़ 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चुकंदर पाउडर डालकर अगर पियेंगे तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। चुकंदर हर तरह से बहुत अच्छी है, ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी काफ़ी यूज होती है। आप इसका हेयर मास्क भी बना सकते हैं, लिप बाम भी बना सकते हैं, फेयरनेस फेस पैक भी बना सकते हैं। आप इसका कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये पाउडर काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप देखते हैं चुकंदर हर सीजन में नहीं मिलती है। आप इस पाउडर को एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, जब मन करे तब यूज कर सकते हैं। ये चुकंदर का पाउडर काफ़ी आसान है बनाना, आप इसे घर पर काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हमारी सभी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय।